अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, शाम हो रही है, संडे का दिन है आज। जैसे कि जानते हैं आप लोग, कल व्लॉग जो देखा आपने, चैलेंज के बाद आके मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर दी, एक घंटा रेस्ट कर रही। अभी मैं आई हूँ किचन में, चाय पीऊंगी सबसे पहले। और आज मैं बनाने वाली हूँ गोश्त, मेथी गोश्त। तो मैंने गोश्त को फ्रिज से निकाल के रख लिया है ताकि ये थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे हो जाए, थोड़ा पकाने से पहले छूट जाए, मतलब मैं इसको अच्छे से वॉश कर सकूं। तो इसलिए उसको मैंने बाहर निकाल के रखा है। जब तक कि वो वैसा होता है तब तक के बर्तन धो लेती हूँ और मेथी को तोड़ लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, तो ऐसा है। अगर आज मैं इसको नहीं बनाती तो ये शायद से कल बनाने लायक नहीं रहती, क्योंकि इसको लाए हुए दो दिन नहीं, परसों मैंने इसको लाया था, फ्राइडे की शाम में मैंने इसको लाया था। तो आज इसको बनाना कंपल्सरी है। तो आज मैं जा रही हूँ मेथी गोश्त बनाने के लिए। तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, अच्छा ही बनेगी, और बर्तन धो के फिर मैं इसको पकाऊंगी। ओके, तो मटन को मैंने इतनी अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, अच्छे से गोश्त मतलब छूट चुका था तो मैंने उसको क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मेथी भी तोड़ ली, मेथी पीली होने लग गई थी लेकिन मैंने जितना ग्रीन हो सका उतना मैंने उसमें से निकाल लिया है छाट के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना मटन को उबाल लूँगी, मतलब उसको गला लूँगी। तो इसके लिए मैं कुकर के अंदर ऐड कर रही हूँ अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। एक्चुअली मैंने ये अदरक लहसुन है ना, जो रेडीमेड वाला था ना, वही ऐड किया, क्योंकि अभी घर में वो भी है तो उसको ख़त्म तो करना पड़ेगा। तो मैं गोश्त उबालने में ये अदरक लहसुन ऐड की हूँ एक चम्मच के आसपास। और इसमें मैं दो कांदे काट के ऐड करूँगी। और यहाँ पे गर्म पानी का हंडा था एक्चुअली, जिसको उतार के मैंने अभी रखा है। तो इसमें मैं ये कांदे बड़े बड़े काट के डाल दूँगी। और इसमें अखे गर्म मसाले मैं ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं गरम मसाले में क्या क्या ऐड कर रही हूँ। हल्दी भी ऐड करूँगी, सॉरी माफ़ करना। गोश में कांदा, हल्दी, नमक और ये अखे गरम मसाले। तो इसमें मैंने दालचीनी ली है, लौंग ली है, काली मिर्ची ली है, जावित्री का फूल लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी सौंफ ली है और थोड़ा सा ज़ीरा लूँगी। और ये सारे अखे गरम मसाले को मैं ये गोश उबालने में ऐड कर दूँगी। अब इसमें कुछ नहीं, थोड़ा पानी ऐड करना है, जितना कि गोश्त गल के सूख जाए उतना ही पानी ऐड करना है। मतलब मैं इसकी कम से कम 10 से 12 सीटी लूँगी, गोश्त गलना चाहिए पूरी तरह से। अभी क्या, ये कुछ दिनों से फ्रिज में है ना, एक हफ्ता होने आया है, बकरा ईद का गोश्त है तो ये फ्रिज में है तो थोड़ा हार्ड तो हो ही जाएगा, तो उसके लिए उसको 10 सीटी तो लगेगी। पूरा भी एकदम नहीं गलाना है क्योंकि मुझे ये गोश्त को मसाले में भी भूनना है। तो ऐसा तो जब तक गोश्त गलता है, कुकर की सीटी होती है, तब तक मैं यहाँ पे बघार का तैयारी कर रही हूँ, मतलब मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो मैंने ऑनियन काटा है ये है, मैं तेल में फ्राई करने वाली हूँ, मतलब मसाले के लिए है वो। और यहाँ पे ये जो लहसुन है जो मैंने मार्केट से लाए थे ना, छिले हुए लहसुन, बस उसी को वॉश करने के लिए निकाला है। इसको वॉश करके सुखाने के लिए रख दूँगी। और थोड़े लहसुन में मसाला पीसने के लिए ले लूँगी। जी हाँ, मसाला पीसने में मैं फ्रेश वाले लहसुन और अदरक को पीसूँगी, वो पैकेट वाला नहीं डालूँगी। तो ऐसा, और ये लहसुन को मैं सुखाने रख दूँगी। ये कल अभी रात हो रही है ना, ये कल सुबह तक के सूख जाएगा अच्छे से, तो मैं इसको पीस लूँगी। धोना ज़रूरी था, ये बाहर के लहसुन है ना, इसलिए धोना ज़रूरी है। और गीले लहसुन को पीसूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सुखा के ही पीसती हूँ लहसुन। तो ऐसा, तो अब ये मसाले के अंदर मैं ऐड करूँगी हरा मसाला। हरे मसाले में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, मतलब जितनी हरी मिर्ची आप खाते हो, जितना तीखा आप खाते हो उतना। मैं हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए मैं इसके अंदर 3 या 4 हरी मिर्ची ऐड करूँगी।
और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। अदरक के लिए मैंने ये टुकड़ा निकाल के रखा है। ये अदरक मतलब गीली अदरक है, सूखी अदरक नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अदरक डालूंगी। सूखी अदरक रहती है ना, तो थोड़ा सी भी डालेंगे ना तो वो टेस्ट आ जाता है, तेज़ मारता है वो अदरक का, लेकिन गीली अदरक का टेस्ट पता नहीं चलता, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गोश में भी मतलब उबालने के वक्त भी अदरक लहसुन 1 चम्मच डाला, यहाँ पे भी मैं अदरक लहसुन पीस रही हूँ। तो जी हाँ, मुझे ना मटन चिकन में कुछ भी बनाती हूँ ना, मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। और मुझे ये क्वेश्चन भी आया था कि आपका महीने में कितना अदरक लहसुन लगता होगा। एक पैकेट वो 200 ग्राम का होता है, लेकिन हमें महीने के कम से कम है ना 3 पैकेट लगते हैं, मतलब लमसम आधा किलो के ऊपर अदरक लहसुन लगता है हम लोगों को। सिर्फ पता नहीं क्यों इतना मतलब लहसुन अदरक लगता है, ज़्यादा लगता है हम लोगों को तो ऐसा है। तो अभी मैं यहाँ पे कोतमीर को ना छाट ली हूँ अच्छे से, और आधी कोतमीर अभी मैं मसाले में पीसने के लिए डालूंगी और आधी को उठा के रखूँगी। और ये कड़ी पत्ता इसको जो मैं बांध के रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी कड़ी पत्ता जब सूख जाता है तो क्या ख़राब हो जाता है? तो नहीं डियर, आप कड़ी पत्ते को सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कसूरी मेथी यूज़ करते हैं ना, वैसे कड़ी पत्ता सूख जाए ना तो उसको क्रश करके रख लेना, कभी भी बघार में वो भी डाल सकते हैं आप। बस खाली इतना है कि ताज़े कड़ी पत्ते का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है और सूखे कड़ी पत्ते का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, बस। बाकी कड़ी पत्ता कभी ख़राब नहीं होता, तो ऐसा। और यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर लिया, उसके अंदर है अदरक लहसुन कोतमीर मिर्ची, ठीक है, सिंपली अदरक लहसुन कोतमीर मिर्ची। और उसके अंदर अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया, यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। मुझे ना खाना पकाते टाइम पे ना 500 टाइम किचन साफ़ करने की आदत है, मैं एक एक काम करती जाऊँगी और किचन साफ़ करती रहती हूँ, तो ऐसा मेरा प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्योंकि मुझे पता है मैं बड़ी धड़पड़ी हूँ, मैं काम करते करते कभी भी चम्मच यहाँ वहाँ रख देती हूँ, मैं प्लेट रखने के बावजूद भी कोई चीज़ हम नीचे रख देते, ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए ज़मीन किचन की साफ़ होनी चाहिए, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, अक्खा गरम मसाला। तो मैं जो चीज़ मैंने उबालने में डाली है बस मैं वही चीज़ पीसने में ऐड करूँगी, लेकिन उबालने में मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला और पीसने में मैं थोड़ा कम डालूँगी। जैसे मैंने वहाँ पे 8 काली मिर्ची डाली है तो मैं यहाँ 4 डालूँगी, जैसे मैंने उबालने में 3 लौंग डाली है तो मैं यहाँ 2 डालूँगी, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी और फूल ऐड करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक फूल एक्स्ट्रा ऐड किया है, उबालने में मैंने जावित्री का फूल यूज़ किया है, कमल फूल यूज़ किया है, लेकिन पीसने में मैं जावित्री का फूल, कमल फूल और दगड़ फूल, पत्थर फूल होता है ना, वो भी ऐड करूँगी। मतलब ये 3 तरह के फूल, ये आप गरम मसाले के कोई भी शॉप में जाके फूल के नाम बोलोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, तो ऐसा है। तो अब मैं ये मसालों को पीस रही हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा गाढ़ा पीस लूँगी दरदरा, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले के पाउडर मतलब धनिया की बुक्की और हल्दी की बुक्की भी ऐड कर दूँगी, ऊपर से डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसके अंदर वही बुक्की ऐड कर रही हूँ, तो ऐसा, और इसको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है बघार देने के लिए, भूनने के लिए। एक्चुअली में हमें अपने गोश्त को अब भूनना है, अब वो गला है मतलब वो 80% पूरा गला है, 20% उसको इतना सॉफ्ट करे तक पकाना है, तो उसको कुकर में नहीं पकाना है, अब वो यहाँ पकेगा मेथी के साथ, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो गया और मैंने एक आलू काट लिया है हमेशा की तरह मेरे लिए, क्योंकि आप लोग जानते अच्छे से कि मैं गोश्त नहीं खा पाती हूँ, तो मैं सालन तो खा लेती हूँ, उसके अंदर से आलू निकाल के खाना खा लेती हूँ, तो ऐसा है।
तो यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर ऑनियन ऐड किया है। अभी मैंने यहाँ पे ऑनियन सिर्फ एक ऐड किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑनियन यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने दो ऑलरेडी उबालने में डाले, तो लमसम मैंने 1.5 किलो के आसपास इसमें ऑनियन डाल दी हूँ, तो इसलिए। तो ये ऑनियन को पूरा रेड होने तक के पकाना है। और यहाँ पर मैं दो टमाटे मैं यहाँ काट रही हूँ बारीक बारीक, तीन टमाटर एक्चुअली, तीन टमाटर काट रही हूँ मैं बारीक बारीक। और उसके बाद मैं ये जो ऑनियन जब रेड हो जाए तो इसके अंदर पूरा वो जो मसाला है ना मेरा, जो मैंने अभी मसाला पीसा है, हरा मसाला मतलब अदरक लहसुन कोतमीर मिर्ची और गरम मसाला, अखा गरम मसाला और हल्दी धनिया की बुक्की, मैंने फिर से रिपीट कर दी, मसाले में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए। तो अब मैं वो उसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब इसमें मुझे ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा हल्का सा पानी मैं यही डब्बे के अंदर मिला के अल्टी पल्टी करके मेरा सारा मसाला वो डब्बे में से निकाल के ऐड कर दूंगी। मैं वेस्ट नहीं करती अपना पिसा हुआ मसाला बिल्कुल भी, तो ऐसा है। और ज़्यादा पानी इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फिर मसाला भूनने में वक्त लगता है, तो ऐसा है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काटे, ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब हमें इसको ढक के पकाना है। और ये ढक के पकने में देखिए कम से कम है ना 5 से 7 मिनट लेगा, और ये टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए, उतने वक्त तक के हमें इसे पकाना है। और ऑयल पूरा अलग हो जाना चाहिए, मसाला इकट्ठा हो जाना चाहिए, उतना भूनना है। और उसको खाली हमें ढक के नहीं रखना है वरना मसाला तले को लगेगा, तो बीच बीच में इसको हिलाते भी रहना है। और यहाँ पे गोश्त हमारा उबल के देखिए पूरा मतलब गल के पानी भी सूख चुका है, और ये गोश्त माशाल्लाह अच्छा है, 80-85% गल चुका है। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, यहाँ पे भी कुछ वेस्ट नहीं होगा। और इसको मैं डायरेक्टली मसाले में पलटी कर दूँगी। अगर गोश्त उबालने के वक्त पे थोड़ा पानी ज़्यादा होता है तो आप भूना अगर बना रहे हो तो ओके, क्योंकि वो पानी आप शिरवे के लिए ऐड कर सकते हो, सॉरी सालन अगर आप बना रहे होगे तो ओके, क्योंकि वो पानी आप सालन के लिए यूज़ कर सकते हो वही ऐड करके। बट मैं यहाँ सालन नहीं, मैं भूना बना रही हूँ, मुझे सूखा ही बनाना है ये। तो मैंने मेजरमेंट उस हिसाब से डाला था गोश्त उबालने के वक्त कि मेरा गोश्त भी गल जाए और पानी भी ना उसमें रह पाए, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मैं मसाले के अंदर गोश्त मिला चुकी हूँ, और इसमें मैंने जो आलू थे वो भी डाल दी। और मैंने 2 मिनट ढक के पकाया ताकि मेरे आलू के लिए मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, आधा वो ऐसे गल जाए और आधा फिर ये मेथी जब मैंने अभी ऐड की है तो उसके साथ थोड़ा नमक ऐड करना है। अब ये क्या करेगी, मेथी अपना पानी छोड़ेगी तो वो पानी में मेरा आलू भी पकेगा। अब इसको अच्छे से पकने देना है। क्या क्या इसका नाम क्या है क्या नाम है उसका? पतोश। क्या नाम है क्या नाम है ललोश? ऐसा कैसा नाम है, सुनती क्या? उसका नाम क्या है? हाँ 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 हाँ। तो देखिए आप लोग, उज़मा आ गई है और उसकी मस्ती चालू हो गई है। मेरा सालन अभी पक रहा है, उसको वक्त लगेगा क्योंकि मैं जब भी नॉनवेज बनाती हूँ तो मुझे टाइम लगता है। और अभी मैंने मेथी डाली हूँ तो मेथी अभी अपना पानी छोड़ेगी, वो सूखेगा तो टाइम लगेगा। तो मैं आके यहाँ पे सुकून से बैठ गई हूँ, तो ऐसा है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का भुना रेडी हो चुका है, ये ऑलमोस्ट डन है। फिर भी मैं इसको 2 मिनट के लिए और ढक के पकाऊंगी। आलू भी गल गए और गोश्त इतना सॉफ्ट हो गया ना, मटन इतना सॉफ्ट हो गया माशाल्लाह से। और खुशबू ना, जब जब मैं कढ़ाई खोल रही हूँ खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है। तो देखिए मेरा सालन रेडी हो गया, आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। बच्चा सुना क्या तुम कपड़ा ऐसा मत क्या करो, हाँ इसलिए अम्मी तुमको फराक नहीं पहनाती है, गलत बात। हाँ गलत बात, लुली लुलू। तो इसी के साथ मेरा खाना पका के हो जाता है। एक्चुअली कैसा, मैंने ना मेथी गोश्त बनाई और चावल चढ़ा दिए अभी मैंने, लेकिन मैंने ना रोटी नहीं बनाई, पता है क्यों? मुझे इसके साथ है ना वो सीख पराठे वाला पराठा होता है ना जो मिलता है दुकान पे, सीख पराठा जो लोग बेचते हैं, जो पराठे बनाते हैं मैदे के पराठे बनाते, देखो लोग
जिसे किसी ने खाया रहेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना। मुझे इसके साथ है ना वो पराठा खाने का है, तो मैंने बाबू को बोली मुझे वो सीख पराठे वाला पराठा लेकर आओ। मैं घर में भी बना सकती हूँ, लेकिन मैंने घर में इसलिए नहीं बनाया, लेट हो जाएगा बनाते बनाते। उसके लिए पहले है ना आटे को रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है, और सालन बनाते बनाते सालन की खुशबू और उसके टेस्ट से मुझे ऐसा लगा मैं वो पराठे के साथ खाऊंगी तो ज्यादा बेहतर लगेगा, इसलिए मैंने बोला बाहर से ही लेके आ जाओ पराठा, हम उसके साथ ही खा लेते हैं। उस बार नहीं, वो लहसुन है, मैंने लहसुन को यहाँ पे सुखाने के लिए रखा ना, तो वो वही ले रही है। तो ऐसा है, तो वो लहसुन तो आज रात में सूख जाएगा, तो उसमें जो भी अभी थोड़ा बहुत काटने का है ना वो मैं काट लूंगी और कल मैं उसको पीस दूंगी। तो ऐसा है, तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज तो किचन ब्लॉग हो गया, मैंने मतलब ऐसा था ना कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ इसकी, क्या नाम, मटन कीमे की, मटन कीमा बोलती, देखो मेरा ध्यान देखो किधर है, मटन कीमा जो मैंने बनाई मैंने बनाई मेथी गोश्त, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ सोची, तो बस तो अभी बात तो भी कर लें दो बेटा। तो आज का ब्लॉग तो पूरा किचन ब्लॉग हो गया, तो जिसने एंजॉय किया वो कमेंट करके बताना, और किसको रेसिपी अच्छी लगी वो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखना। जिस दिन मेरा दांत ठीक हो गया ना तो आपको एक से एक अच्छी से अच्छी रेसिपी नॉनवेज की मैं बना के बताऊंगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अगर पसंद आया चैनल तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। उसमें बाय बाय बोलो, बाय। अरे बाप रे वो एक्चुअली उसका फ्रॉक है ना, ये पट्टी है ना थोड़ी लूज हो रही है, सब कुछ करती हूँ मैं।